हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी A54 5G के बारे में। फाइनली गाइस इस फोन का फर्स्ट लुक निकल कर सामने आ चुका है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फोन के फ्रंट में इन्फिनिटी ओ कट डिस्प्ले दी गई है। रियर में प्लास्टिक बैग के साथ में इंडिविजुअली सर्कुलर शेप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन के बॉटम में स्पीकर, ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन है। वहीं फोन के टॉप पर आपको सिम ट्रे टूल और सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन में अगेन 3.5mm ऑडियो जैक मिसिंग है, बट ओवरऑल फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम सा मिल जाता है। इसके अलावा गाइस इस फोन के सभी फीचर्स भी कंफर्म हो चुके हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे इस फोन की इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। उम्मीद गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल के टेक वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए। तो गाइस सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस बार ये फोन 6.4 इंच की डिस्प्ले के साथ आने वाला है। इसमें इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी। इसके अलावा डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, HDR10 और 800 निट्स की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बार गाइस सैमसंग इस फोन में कॉम्पैक्ट साइज के डिस्प्ले को ऑफर करने वाला है, जिसे आप सिंगल हैंड से भी काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे। कैमरे सेक्शन की बात करें तो गाइस इस बार ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा, जो कि सोनी IMX766 सेंसर होगा। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और लास्ट में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लगा होगा विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। और इसके रियर मेन कैमरे में आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस फोन से काफी स्टेबल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को शूट कर पाओगे। इवन लो लाइट कंडीशन में भी प्रो लेवल की फोटोग्राफी को कैप्चर कर सकते हो। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस बार ये फोन 5100 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन चार्जर नेक्स्ट ईयर भी आपको इस फोन के लिए अलग से परचेस करना होगा, जो कि अगेन थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस अगेन सैमसंग इस फोन को एक्सिनोस चिपसेट के साथ ही लॉन्च करने वाला है। ये फोन सैमसंग के लेटेस्ट प्रोसेसर एक्सिनोस 1380 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा, और इस चिपसेट को कल ही इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया था। ये चिपसेट एक्सिनोस 1280 चिपसेट का सक्सेसर होगा, जिसे सैमसंग ने गैलेक्सी A53 5G में ऑफर किया था। तो परफॉर्मेंस के मामले में गैलेक्सी A54 5G में थोड़ा बहुत और बेटर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाला है गैलेक्सी A53 5G के कंपैरिजन में। इसके अलावा गाइस आपको इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, IP67 रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, NFC, 12 5G बैंड और लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस इस फोन का लॉन्च हमें 15 से 20 जनवरी के अराउंड देखने को मिल जाएगा, और इसके 20 वेरिएंट की प्राइस 35,000 रुपये के अराउंड होगी। तो गाइस क्या आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A54 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।